क्वेश्चन नंबर फाइव में डाउट्स है, सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव इज वेरी इजी, यू हैव टू जस्ट कंपेयर टू वैल्यूज। वन वैल्यू इज गिवन 4 liters, सभी पेज नंबर 119 निकालेंगे ऑफ मैथमेटिक्स, 4 liters एंड 325 milliliters, 325 milliliter, दिस इज वन ऑफ द वैल्यू गिवन। एंड अनदर वैल्यू इज गिवन 4235 ml. So these are the two liquid measurement is given, and you have to tell among these two which one is greater or which one is larger. तो आप या तो दो चीज में से एक कर सकते हो, या तो इसको भी लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो इसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके बाद आप दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो। तो चलिए हम इसको भी लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट अगर करते हैं तो दिस विल बी 1 times 100,000। हम लोग ने पढ़ा था कि थाउजेंड्स प्लेस या थाउजेंड प्लेस के बाद जो भी नंबर होता है उसको हम लोग सेपरेट इट आउट कर देते हैं फॉर कन्वर्टिंग मिलीलीटर इनटू लीटर एंड मिलीलीटर। तो मिलीलीटर में कोई वैल्यू अगर रहता है और हमें उसको कन्वर्ट करना रहता है लीटर और मिलीलीटर में, तो हम लोग सेपरेट कर देते हैं थाउजेंड्स प्लेस या उसके बाद का प्लेसेस में जो भी नंबर्स रहता है। तो यहाँ पे हमारा 4000 है तो 4 liters हो जाएगा, 4 liters, और 235 milliliter है, सो 235 ml हो जाएगा। तो ये जो दो वैल्यू है, ये और ये, अभी ये दोनों वैल्यू का कंपैरिजन करिए, इसमें भी 4 liters है, इसमें भी 4 liters है, इसमें 325 milliliter है और इसमें 235 milliliter है। सो क्विकली आप लोग ही बताइए विच वन इज ग्रेटर, 325 milliliter इज ग्रेटर और 235 milliliter इज ग्रेटर। सो क्विकली टेल मी एवरीवन, 325 milliliter इज ग्रेटर और 235 milliliter इज ग्रेटर, कौन सा ज्यादा वैल्यू है वो बताएं जल्दी। सो क्विकली टेल इन मैसेज, मैसेज में जल्दी से बताएं। ओके, 4325, वेरी नाइस। सो आई एम गेटिंग आंसर कि 4325 मिलीलीटर और 4 liter 325 मिलीलीटर इज द ग्रेटर वैल्यू। सो बहुत ही इजी है कि ये जो है हमारा ग्रेटर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है। अब आपको अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर है, मान लो एक है 7 एंड एक है 18, तो ये दो नंबर में अगर मैं बोलता हूं ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे 18 बड़ा है, राइट, आपको आपका आंसर होगा 18 बड़ा है। लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि कितना बड़ा है तो आप कैसे निकालोगे, जस्ट यू विल डू द सब्ट्रैक्शन, आप 7 माइनस कर दोगे 18 से, जितना डिफरेंस आएगा दैट मच ग्रेटर इज देयर, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग ये फाइंड आउट करने के लिए कि कितना ज्यादा है ये, हम लोग जो है ये वैल्यू जो है दिस वी विल सब्ट्रैक्ट। ओके, सो दिस वी कैन राइट एज लाइक दिस मच। नाउ वी विल कंपेयर, ओके, नाउ वी विल कंपेयर, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग दैट हाउ मच ग्रेटर इज देयर। ओके, सो यहां पे आप लिख सकते हो कि टू फाइंड आउट हाउ मच ग्रेटर वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट। सो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि कितना बड़ा है। तो चलिए ऊपर में तो एक वैल्यू लिखा ही हुआ है और एक वैल्यू हम लिख के यहीं पे सब्ट्रैक्ट करते हैं।
वैसे नॉर्मली जो प्रोसेस है उसी स्टेप्स में करते हैं, दैट विल बी बेटर। सो दोनों वैल्यू को यहां पे लिख के हम अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फर्स्ट इज इन लीटर्स एंड देन मिलीलीटर्स। इन लीटर्स वी हैव 4 एंड इन मिलीलीटर्स वी हैव 3, 2, 5। द बिगर नंबर फर्स्ट वी हैव टू राइट एंड अनदर वी हैव 4 एंड 2, 3, 5। सो 2, 35। Now we will do the subtraction. 5, 5, 0. So 3 plus 9 is 12. Okay. So 3 plus 9 is 12. And this will be 2, then 0. And this will also be 0. So 0 liters and 90 milliliters. So simply you can write the 90 milliliter is equal to the difference. Okay. So the answer will be 90 ml. जिसको भी 5 को 5th क्वेश्चन में डाउट था, द आंसर विल बी 90 ml. वेरी गुड, एग्जैक्टली। सो नाउ मूविंग टू द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, 119 पेज नंबर में जो दो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग ए बोतल कंटेंट दिस मच ऑफ मेडिसिन। सो 1 लीटर एंड 350 मिलीलीटर मेडिसिन है। मेडिसिन का जो बोतल होता है, अगर 1 लीटर का बात करें तो थोड़ा सा बड़ा होगा, एक जैसे ड्रिंकिंग वाटर बोतल होता है उसके कंपैरिजन में होगा। उसके बाद 350 ज्यादा है तो उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो 1 लीटर एंड क्वार्टर ऑफ 1 लीटर उसके बराबर होगा, 1 लीटर एंड 350 मिलीलीटर के बराबर। सो इफ ए पेशेंट यूज, अब 1 लीटर एंड 320 लीटर मेडिसिन था, उसमें से एक पेशेंट ने कुछ पार्ट यूज कर लिया, ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर मान लीजिए आप लोग का जो ड्रिंकिंग वाटर बोतल होता है, मान लेते हैं वो 1 लीटर का अगर है और उसमें से आपने 200 मिलीलीटर जो है ड्रिंक कर लिया, तो आपके पास कितना बचा, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। हम लोग जानते हैं 1 लीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर। सो 1000 मिलीलीटर से 200 मिलीलीटर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 800 मिलीलीटर बचेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे पेशेंट है, जो पेशेंट मतलब जो रोगी होते हैं, जिनको कोई बीमारी होता है तो वो जो मतलब ये रहता है, तो मेडिसिन चलता है उनका, तो एक लिक्विड मेडिसिन है जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है 1 लीटर एंड 350 मिलीलीटर एंड आउट ऑफ दैट ही इज यूजिंग 952 milliliter and you have to tell how much medicines will be left. So this is also very easy. So let us do the value based questions one. Value based questions of page number 119. So the total medicines which have, we will write. So total quantity of medicine, okay, is equal to 1 liter and 350 milliliter. तो 1 liter and 350 milliliter total medicine था। अब उसमें से use कितना किया, ये patient used up and used up is equal to how much he has used up, 952 ml. This much of liquid the patient used. So now you have to tell how much medicines was left. So therefore medicine left is equal to, how we can find out the medicine left, the total medicine, from the total medicines we will subtract the used up medicines, but in used up medicines we don't have any in liter place, so we will keep zero in the liter place and in milliliter place we will write this. So how we can arrange this is the most important thing. So let us do here the rough walk, liter and here milliliter. So in liter we have 1 and in milliliter we have 350. या तो आप और एक चीज कर सकते हो, सिंपली इसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करके इतना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दैट ऑल्सो यू कैन डू, ओके। एंड 952
in ml nn 0, in liter place it will be 0. So now we will do the subtraction. So 5 plus 8 is 10. Okay, 5 plus 8 is 10, then it will be 4. Okay, because we have taken 1, this will be 4. So this will be then 14. So 5 plus 9 will be 14. Okay, so this will be 2 now. So if you take 1, this will be 12. 9 plus 3 is equal to 12. So 398 ml. Here it will be 0. So 0. So 398 ml will be the medicine left. Jiska bhi answer 398 ml hai, is correct. But kisi ne bhi answer nahi diya iska, right? Okay, Niti. जिसका भी वीडियो ऑफ है ऑन करेंगे, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछेंगे. 398 जिसका भी आंसर है इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड. किसी को अगर नहीं समझ में आया तो पूछेंगे, इट्स वेरी इजी. द टोटल मेडिसिन विच इट इज देयर दिस मच एंड यूज्ड अप इज दिस मच, सो वी हैव जस्ट सबट्रैक्टेड. सबट्रैक्शन में ध्यान नहीं रखना है कि लीटर प्लेस में हम लोग का जो है इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है एंड ml प्लेस में है. आई विल गिव वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस. सो बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन वन मोर क्वेश्चन विच वी हैव इन वीवीक्यू ओनली. ये एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूं. सेकेंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है उस पे हम लोग बात करते हैं. दिस इज आस्किंग थ्री बकेट्स कंटेन मिल्क. तीन अलग अलग बकेट्स है, ठीक है. बकेट्स मतलब बर्तन है, उसमें मिल्क है. बर्तन मतलब नॉर्मली बकेट्स मतलब बोलेंगे बड़ा सा जो ये होता है ड्रम टाइप का. ओके, उसमें मिल्क है और जो मिल्क का क्वांटिटी है दैट इज गिवन इन ईच बकेट. सो यू हैव टू टेल द टोटल मिल्क इन थ्री बकेट. सो हाउ वी कैन फाइंड आउट, क्विकली टेल मी इन मैसेज. वैसे में सभी बताइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. उसके अलावा अगर कोई सॉल्व कर सकते हैं तो उसको सॉल्व करके बताएं. अगर इसको कोई सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करके बताएं. ठीक है, आप सिर्फ बता दीजिए हमें क्या करना है. अनुप्रिया ने आंसर दिया है. Anyone else can tell me what we need to do in this? क्या करना है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. थ्री बकेट्स आर देयर, तीन बकेट्स है जिसका जो मिल्क का क्वांटिटी है ये दिए हुए हैं. एक बकेट्स है जिसमें 16 लीटर है और 50 मिलीलीटर है. दूसरा बकेट है जिसमें 12 लीटर है और 310, यहाँ पे 310 लिखते समय हमें ध्यान देना है, 310 मिलीलीटर है. और तीसरा बकेट जो है इसमें 11 लीटर एंड 680 मिलीलीटर है. ठीक है, तो आपको जो है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है वो निकालना है और जिसका भी आंसर एडिशन है is the correct answer. We have to do the addition. So 00 plus 0 is 0 only. 8 plus 1 is 9 plus 5 is 14. 4, 1 carry. Okay. So 6 plus 3 is 9. 9 plus 1 is 10. So 10 is 0. 1 carry. Okay. So 6 plus 1 is 7. 7 plus 1 is 8. Plus 2 is 10. So 0, again 1 carry here, so 4. So that means the sum or the total quantity of milk which it is asking for,
find the total quantity of milk. Therefore, we will write total quantity of milk is equal to 40 liters, 40 milliliters. 40 liters and 40 milliliters. Yes, Anushka, Aryan, Anupriya, and whoever answer is addition is the correct answer. And very important question, okay? So this much is the questions related to the measurement of capacity. इस चैप्टर में हमने शुरुआत किया था कि how we used to measure the capacity means the liquid thing. लिक्विड चीज को मेजर करने का हम लोग का यूनिट्स मिलीलीटर है, उसके अलावा लीटर्स है. अभी आपके सिलेबस में यही दो है, ओके. उसके बाद अपर क्लासेस में हो सकते हैं हम लोग और भी अलग अलग यूनिट्स के बारे में पढ़ें. उसके बाद हमने समझा कैसे इंटर कन्वर्जन करते हैं. इफ इट इज इन लीटर, हाउ वी कैन कन्वर्ट इन टू मिलीलीटर. इफ इट इज इन लीटर एंड मिलीलीटर, हाउ वी कैन कन्वर्ट इन टू द मिलीलीटर. If it is in milliliter, how we can convert into liter? If it is in milliliter, how we can convert into liter and milliliter? Addition of the capacity means addition of liter and milliliter. Subtraction of the capacity, that means subtraction of liter and milliliter. And some uses of the measurement of capacity, that means the word problems related to the measurement of capacity. तो इसमें मैक्सिमम फोकस आपको वर्ड प्रॉब्लम में करना है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन या कन्वर्जन आप लोग बहुत इजीली कर लोगे. वर्ड प्रॉब्लम में आपको बेसिकली समझना ये है कि जब भी आपको कुछ टोटल अमाउंट से बोला जा रहा है कि ये यूज्ड ऑफ हो जा रहा है या रिड्यूस हो जा रहा है या स्पेंड कर दे रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. एंड जब भी आपको टोटल करने के लिए बोला जाए कि फाइंड द टोटल, ओके, देन यू हैव टू एड. ओके, सो ये दैट इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. हम लोग ने मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड वेट भी पढ़ा है. तो दीज थ्री चैप्टर्स आर बेसिकली इंटर रिलेटेड, इसीलिए आपको ये तीनों चैप्टर में अगर एक चैप्टर अच्छे से समझ आ गया तो सारे चैप्टर्स आप इजिली बना लोगे. आपको वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक ओनली द अप टू बुक, you need to go beyond the books. Alag alag word problems related to the measurement of capacity, measurement of length or measurement of weight aapko dekhna padega, because aap jab next class mein jaoge in your class 4, all the three chapters will be combined together. Aapko combined milega sare tino chapter, theek hai. जैसे ही वैसे हम लोग का सिलेबस खत्म होता है, कुछ हम लोग एडिशनल क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट क्लास से या अलग अलग आउटसोर्सेस से भी करेंगे, और इसके साथ साथ भी रिवीजन के टाइम में भी करेंगे, ठीक है. नॉर्मली इन टेस्ट और एग्जाम वी यूज टू गिव द वी ट्राई टू गिव द सेपरेट क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक, बिकॉज यू ऑल आर ऑलरेडी डूइंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बुक, राइट. सो दैट इज व्हाई यू नीड टू थिंक बियॉन्ड द बुक्स, राइट. So till now, whatever we learn in these three subjects, three chapters basically, measurement of length, weight and capacity. Agar kisi ko kuch bhi doubt hai, you can ask from any particular exercise, from any particular topic, from any particular page number. Just you type the exercise number and question number that you don't understand this particular question, we'll discuss about that. So I am giving some time. Koi aisa question hai ya koi aisa topic hai जो आपको नहीं समझ में आया, जिसको लगता है हमें फिर से समझाने का जरूरत है, एनीवन, कोई भी ऐसे हैं, अनुष्का, सन्नूटा, रौनक, खुशी, अर्नब, अक्षत, प्रिंस, तेजस्वी, एनीवन, मोहित, अनुप्रिया, आयुष 379, नीतिराज, आयुष कुमार, शगुन, आदर्श, दिव्यांश, सोनी, स्वाति, अलका, वल्लवी, अनुज्ञा, अश्विनी सागर, एनीवन,
27 more students are there, so I can't take the name of all the students, but still if anyone having, you can ask. Next we will learn our new topic, which is related to the time. Okay, this is very precious thing. When it passes away, you cannot get it back. So time is the most important thing. उसी से हम लोग का क्लास शुरू होता है. टाइम की बेसिस पे भी हम लोग का क्लास खत्म होता है. उसी से हम लोग का साल जो है वो काउंट होता है. ईयर जो है अभी जैसे 12 मंथ चल रहा है, तो ये साल खत्म होने वाला है. तो स्टार्टिंग विद द एवरी सेकेंड, सेकेंड से लेकर के अप टू मिनट, आवर्स, डेज, मंथ, वीक्स, then year. So we'll learn these all calculations related to the time in our next class. That's all for today. Thank you everyone. Have a good time. Take care and bye-bye. Be ready for your next period.